और बगदाद में हुए आत्मघाती अटैक के पीछे किस आतंकी गुट का हाथ है? रूस के साथ न्यूक्लियर डील पर बाइडेन का क्या है प्लान? ईरान इसराइल में क्यों बढ़ रही है तलखी? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। बगदाद में हुए दो आत्मघाती हमलों के पीछे ISIS का हाथ निकला। ISIS ने इन हमलों को अंजाम देने की पुष्टि की है। कल एक के बाद एक हुए दो आत्मघाती धमाकों में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 110 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीते 3 साल में बगदाद पर यह सबसे भीषण हमला है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के साथ न्यूक्लियर संधि को अगले 5 साल के लिए जारी रखने की इच्छा जाहिर की है। दोनों देशों के बीच हुई संधि की अवधि अगले 2 हफ्ते में खत्म होने वाली है। ट्रंप सरकार ने इस संधि को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस के बीच तलखी बढ़ी है। जो बाइडेन एक तरफ रूस के साथ न्यूक्लियर डील को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को रूसी हैकर्स पर रिपोर्ट पेश करने को कह रहे हैं। हाल ही में हुए साइबर हमले के दौरान अमेरिका की 250 सरकारी एजेंसियों और टॉप की कंपनियों को निशाना बनाया गया था। साइबर हमले के पीछे रूस का ही हाथ था। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने अमेरिकी प्रशासन में सेंध लगाकर ईरान की लॉबी करने वाले एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक को गिरफ्तार किया है। FBI के मुताबिक कावे लोथफोला अफरासियाबी न्यूयॉर्क सिटी के संघीय अदालत में ईरान के गैर पंजीकृत एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसने अमेरिका की स्थायी नागरिकता भी हासिल कर ली थी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने अब अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने की इच्छा जाहिर की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने उम्मीद जताई कि बाइडेन सरकार ईरान पर लगे रोक हटाएगी और पिछले 4 साल में दोनों देशों के रिश्तों पर लगी जंग को मिटाएगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल समेत कुछ देशों पर अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। बहरीन के विदेश मंत्री ने कतर पर द्विपक्षीय मामले को लेकर हुए समझौते और उससे जुड़े विवाद को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बहरीन ने कतर पर बातचीत के लिए दिए गए नौते पर कोई रिस्पांस नहीं देने का भी आरोप लगाया। खाड़ी संकट को सुलझाने के लिए हुए समझौते के बाद बहरीन कतर से आपसी संबंध को फिर से एक बार बेहतर करने के लिए बात करने की पहल कर रहा है। खाड़ी संकट को सुलझाने के लिए हुए समझौते के बाद सऊदी अरब कतर में अपना दूतावास खोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही वो अपनी सीमा को भी खोलने को राजी हो गया है। सऊदी अरब ने कहा कि वो बहरीन UAE और मिस्र भी कतर के साथ संबंध बेहतर करने पर काम करने को राजी है। ईरान का समर्थन करने पर सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों ने कतर से संबंध तोड़ लिए थे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मिसाइल वाली साजिश सामने आई है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि नॉर्थ कोरिया लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। तस्वीरों में दक्षिण प्योंगयांग इलाके में मिसाइल्स की तैयारी देखी गई। यहां खबरों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच सबमरीन डील टूट सकती है और इसकी वजह भारी भरकम लागत बताई जा रही है। 2016 में हुई डील के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने अटैक क्लास सबमरीन खरीदने के लिए $40 बिलियन की डील की थी, जिसका खर्च $70 बिलियन तक पहुंच चुका है।